ये लोग उसके पहले, अगर आपको याद होगा, पहले बोलते रहे कि पार्टी में चंदा लिया है, गड़बड़ कर रखी है। फिर बोले कि सीएम के ऑफिस में गड़बड़ हुई है, इन्होंने सीएम के ऑफिस में सीबीआई रेड की। फिर मेरे घर पे सीबीआई की रेड की इन्होंने 4 साल पहले। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 40 एमएलए के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराते रहे, हर एक में कुछ नहीं निकला। फिर मेरे घर अब इन्होंने शराब का तथाकथित घोटाला, फर्जी एफआईआर, उन सब की नौटंकी की, फिर रेड की, वहां भी कुछ नहीं निकला। अब इनको समझ में आ गया कि वहां से तो कुछ नहीं निकल रहा। अब इन्होंने कल से एक नई कहानी रचनी शुरू की है कि साहब स्कूल बनाने में घोटाला हो गया है, स्कूल बनाने के लिए गड़बड़ी की गई है, स्कूल बनाने में। मैं इनकी चाल समझता हूं और आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, अभी तक 10 दिन में इन्होंने बताया नहीं कि क्या निकला मेरे घर से। मेरे घर से यही निकला होगा, कुछ स्कूलों के नक्शे, कुछ स्कूलों के कागज, कुछ बच्चों के कागज। जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूं कि जितनी ये बकवास कर रहे हैं सब झूठ है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं। दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं। आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इनको यह हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए। इनकी जहां जहां सरकार है, इन्होंने सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंद किए हैं पिछले 5-6 साल में, जब से लोग 7 साल से आए सरकार में। मैं रखूंगा उसका डेटा आपके पास में, लेकिन मैं बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इनका स्कूलों के करप्शन वरप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। स्कूलों के और इन सब के करप्शन में इंटरेस्ट होता तो मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूं। कल सीएम साहब ने भी 5 मुद्दे रखे कि भाई उस पर जांच करो ना। अब कह रहे हैं स्कूलों में भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच कर रहे हैं। कर लो जांच, लेकिन इसकी भी जांच करो कि पूरे देश में सरकारी स्कूल जब से आप सत्ता में आए हो क्यों बंद हो रहे हैं। आज 2014 से इनकी सरकार है देश में, 2014 से लगातार इन्होंने देश भर में सरकारी स्कूल बंद किए हैं और ये कह के बंद किए जी सरकारी स्कूल नहीं चल सकते, प्राइवेट स्कूल खोलने पड़ेंगे, सरकारी स्कूल का मॉडल फेल हो गया, प्राइवेट स्कूल का मॉडल चलाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली ने एक मॉडल दिया है कि सरकारी स्कूल ना सिर्फ ठीक हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे चल सकते हैं और बच्चों का शानदार भविष्य दे सकते हैं। हकीकत यह है कि आज देश के करीब 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की बकवास करके, इस तरह की फर्जी एफआईआर करके, इस तरह की फर्जी जांच करके, इस तरह के फर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा के ये सरकारी स्कूल सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो इनका मिशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दिल्ली ने एक कॉन्फिडेंस दिया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं, शानदार चल सकते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अब जो इनकी ये नई नौटंकी शुरू हुई है कि सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुख्यतः मुझे डर है कि ये सरकारी स्कूल दिल्ली के भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस बात से डर लग रहा है कि अगर देश को ये बात समझ में आ गई कि सरकारी स्कूल चल सकते हैं तो इनका ये जो मॉडल है कि सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल खुलवाओ, ये इस पे क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसलिए ये जानबूझ के चाहते हैं कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हो जाएं। जब से 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है केंद्र की, और ये मैं बहुत ऑथेंटिक डेटा आपके सामने रख रहा हूं, यूडाइस इन्हीं की वेबसाइट है,
जिस पे एजुकेशन का स्कूलों का डेटा रखते हैं उसको उठा के देख लीजिए, 2015 से 2021 तक इन्होंने 72,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करवाए हैं पूरे देश में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं। प्रिसाइजली मैं कहूं 72,747 सरकारी स्कूल इनके राज में बंद कराए गए हैं। ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा देश प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंड हो जाए और प्राइवेट स्कूल जिसको केवल और केवल 20% बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, 80% बच्चे एकदम बर्बाद हो जाएं। प्रिसाइजली ये सारा मीडिया रिपोर्ट से ही, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप लोगों ने मीडिया ने खूब दिखाया इनकी वेबसाइट्स को, इनके 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 वेबसाइट से निकले हुए डेटा को। केवल सितंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच एक साल में इन्होंने पूरे मिशन मोड में काम करते हुए 51,000 स्कूल बंद किए हैं। 51,000 तो एक साल में बंद किए हैं, पूरे दौर में इन्होंने 72,747 स्कूल बंद किए हैं। इनमें से 26,000 स्कूल तो यूपी में बंद हुए हैं, 22,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं, 1,100 स्कूल इन्होंने उत्तराखंड में बंद किए हैं,